सार्कोमा ट्रीटमेंट के तीन पिलर्स हैं, सर्जरी, रेडिएशन और कीमोथेरेपी। हड्डियों में पाए जाने वाले सार्कोमा, खासतौर से ऑस्टियोसार्कोमा और एविंग सार्कोमा की फैलने की बहुत ज़्यादा प्रवृत्ति होती है। इन सार्कोमाज में कीमोथेरेपी से इलाज का शुरुआत किया जाता है, जिसके तीन पर्पज होते हैं। नंबर वन, कीमोथेरेपी इन सार्कोमा को दूसरे अंगों में फैलने से रोकती है। नंबर टू, कीमोथेरेपी देने की वजह से सार्कोमा की वजह से जो लक्षण उठे हैं, जिसमें कि दर्द वगैरह है, उस पर बहुत जल्दी कंट्रोल आ जाता है। और नंबर थ्री, कीमोथेरेपी देने से सार्कोमा छोटा होता है, जिसका मतलब ये है कि आगे होने वाली सर्जरी भी छोटी हो जाती है। और कई केसेस में जहाँ पे टांग काटनी पड़े, वहाँ पे टांग कटने से हम बच जाते हैं। सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमास भी एक बहुत जटिल बीमारी है। कुछ सार्कोमास जो सॉफ्ट टिश्यू से अराइज करते हैं, वो फैलने की बहुत ज़्यादा प्रवृत्ति रखते हैं। इसलिए एक हाई ग्रेड सार्कोमा में, जो कि बहुत बड़ा ट्यूमर हो, वहाँ पे सक्सेसफुल सर्जरी और रेडिएशन के बाद कीमो का उपयोग किया जाता है, जिससे कि ये सार्कोमा वापस ना आए और क्योर का चांस बढ़ जाए। अगर किसी को बोन या सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा है, तो बहुत ज़रूरी है कि डॉक्टर देखे और कीमो का उपयुक्त उपयोग करे। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest healthcare updates.